पूर्व मंत्री एवं स्वर्गीय जगदेव चंद की पुण्यतिथि के अवसर पर हमीरपुर के टाउन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमीरपुर सदर के विधायक व उनके बेटे नरेंद्र ठाकुर ने ठाकुर जगदेव चंद की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्षा सुलोचना देवी, भाजपा मंडल अध्यक्ष बलदेव धीमान, नगर परिषद उपाध्यक्ष दीप कुमार बजाज, नगर परिषद के सभी पार्षद व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय ठाकुर जगदेव चंद के कार्यों को याद किया और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का भी सभी ने संकल्प लिया। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि ठाकुर जगदेव चंद के द्वारा प्रदेश व जिला हमीरपुर के लिए किए गए कार्यों को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि आज पूरे हिमाचल में हमीरपुर अग्रणीय जिला माना जाता है, तो इसमें ठाकुर जगदेव चंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 6 दिसंबर 1993 को स्वर्गीय ठाकुर जगदेव चंद अचानक यहाँ निधन हुआ था। आज उन्हीं की पुण्यतिथि पर हमीरपुर विधानसभा के कार्यकर्ता, हमारी मीडियल कमेटी के सभी पदाधिकारी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप सभी जानते हैं, हमीरपुर नगर की पूरा हिमाचल प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वर्गीय ठाकुर जगदेव चंद जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, और हमीरपुर आज हिमाचल प्रदेश में अगर सबसे अग्रणी जिला माना जाता है तो उसमें उनकी भूमिका क्या रही है, हम सभी इसको जानते हैं। आज उन्हीं की याद में हम उनको यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि जहाँ भी रहे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हम हमीरपुर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास भी है कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और हम अपने मकसद में और कामयाब में हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। धन्यवाद।